दोस्तों, आज 7 मार्च है और हम लोग के यहाँ मतदान हो रहा है और अभी हम आप देख रहे हैं अपना मत गिरा के आए हैं और हमारे साथ अभी बहुत से वोटर भी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और सरकार जितना सफाई देता है कर्मचारी उसके मुताबिक चलता नहीं है। बूथ पर ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है, ऐसा बुलेट कैमरा लगा दिए हुआ है, जो आपको ईवीएम मशीन में वोट डालने पर सब उसे ही दिख रहा है किस पार्टी में वोट गया, ये वो कैमरा में आता होगा। उनको कहने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है, वोटर समझ के वो फटकारता है। तो हम लोग तो गांव से हैं, किसको बोलें। तो अभी हम लोग अपने हिंदुस्तान के जो पत्रकार हैं उनको सूचना दिए हैं और यहाँ के जो मजिस्ट्रेट के पावर में हैं उनको सूचना दिए हैं और उनको हेल्पलाइन को भी बोला गया है ताकि वो आवे और इस चीज़ को देखे, कैमरा खोल के उसको देखे जो कितना रेंज तक कैमरा है। और उस रेंज में अगर ईवीएम मशीन आता है तो उस ईवीएम मशीन को अलग किया जाए कैमरा से, कहे तो मतदान है। अगर ये सब जान जाएगा कि कौन किसको वोट दिया है तो फिर मतदान का मतलब नहीं रहेगा। अपना मत लोग कहाँ गिराता है ये किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। और इसी समझ से मैंने भी उसको बताया है जो भाई आप ऐसा दिखा दीजिए, लेकिन उसने ऐसा करने से मना किया और बोल दिया कि नहीं आता है। तो मैं वरिष्ठ पदाधिकारी को बताया हूँ और उनको मैं बोला हूँ जो आप आके कम से कम इसको देखिए खोल के कैमरा को, कितना रेंज तक कैमरा जा रहा है। अगर उस रेंज में ईवीएम मशीन आता है तो ईवीएम मशीन को अलग किया जाए। दोस्तों, आपने देखा आज के इस महापर्व में अपने अपने गाड़ी से पदाधिकारीगण हर बूथ पर आए और बूथ का जो है सो अवलोकन किया गया, जो कैसा है नहीं है वोट का स्थिति। और हम लोगों का जो है महापर्व तीसरे चरण का आज समाप्त हो जाएगा शाम में। अब देखिए क्या होता है, कहे तो बूथ पर गर्मी के लेके कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन संजोग था आज जो मौसम पूरा ठंडापन है, धूप नहीं है, जिस लेकर जो भी व्यक्ति अपना मतदान करने के लिए आ रहे हैं उनको कठिनाई नहीं हो रहा है। और सुबह से बूथ पर मतदान के लिए सांता लगा हुआ है। आज का जो है मतदान सुचारू रूप से हम लोगों के यहाँ हुआ। कुछ जगह जो है सो वोटिंग मशीन गड़बड़ था, तो सवेर में हर जगह पदाधिकारी जाके उसको चेक किया। हम लोग भी वोट गिराए हैं जो आपको दिखा भी चुके हैं। और अभी जो है सो हम लोग वोट गिरा के बूथ को देख के घर पर आए हैं। अब जो काम है आगे का काम करेंगे, आज तो कहीं जाना ना होगा नहीं, इसी कारण बस आज जो कुछ काम है उसको कर लेते हैं। इसलिए और दिन रहता है तो लोग कहीं कहीं जो काम रहता है वहाँ चल जाता है, लेकिन आज तो महापर्व के दिन एक दिन भी तो लोग अपना घर पर बितावे, इसलिए कर हम लोग भी अपने घर पर ही हैं, वोट गिरा के आए हैं और अभी हम घर पर हैं, अभी निकलेंगे। और जो अपना गाछ आम का पेड़ है, हवा बहुत तेज चल रही है, जिस लेके वहाँ भी जाना है और देखना है कि आम के निकट में तो
टुकड़ा उकड़ा गिरा हुआ है, वैसे तो नहीं जाते हैं, लेकिन आज जाके देखता हूँ जो भी टुकड़ा गिरा हुआ होगा उसको चुन के लाएंगे। और टुकड़ा आने से तो दो काम हो जाता है, जो कसौनी भी बन जाता है और चटनी भी बनता है, जिसले के एक बार तो वहाँ जाना होगा और जाके देखता हूँ। कहे तो जो मेरा आम का पेड़ है घर से थोड़ा दूरी पर है, तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ का स्थिति। अभी तो हम घर आए हुए हैं और घर से निकलेंगे, फिर उसके बाद आपको सभी ढंग का जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जो तीसरा चरण में आज झंझारपुर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और हम लोग झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ते हैं, तो बहुत दिनों से इंतजार था कि हम लोगों का पारी कब आएगा। आज हम लोगों का पारी भी समाप्त हो रहा है। बूथ पर तो हम नहीं दिखा पाए हैं, दिखा पाऊँगा इसलिए क्योंकि बूथ पर कैमरा लेके जाना सक्षम नहीं था, इसलिए बूथ से बाहर ही हम आपको अपना ब्लॉग में यह जानकारी दे रहा हूँ। और बिहार में आज पांच जगह महापर्व है, जिसमें एक झंझारपुर लोकसभा भी है, जिसमें हम लोग भी हैं और हम लोग अपना मतदान सुबह में किए हैं, जो आपको दिखाया भी था। दोस्तों, हवा बहुत तेज चल रही है और मैं अपना मतदान करके जो है सो आम के पौधा के निकट, पेड़ के निकट आ गया हूँ। देख रहे हैं, देखिए देखिए, मेरे आने पर भी कोई आम बीच के ले गया हुआ है। जो टुकड़ा गिरता है उसको अभी देहात में कसौनी बनता है, लेकिन संजोग खराब देखिए कि इतना आने के बाद भी मुझे यहाँ आम नहीं मिला। शायद हमसे पहले कोई आके सब आम बीच लिया है। कहे तो आज का समय जो है सो मेरा अपना मत प्रयोग करने के लिए, मतदान करने के लिए मैं चला गया और मतदान करके आया हूँ। तो देख रहा हूँ जो यहाँ जो है सो आम का टुकड़ा नहीं गिरा हुआ है, हवा इतना तेज है कि टुकड़ा तो गिरा हुआ होना चाहिए, लेकिन कोई बीच में आके ले गया है। देख रहे हैं, मुझे अब खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। मेन बात है कि घर दूर रहने के कारण जब भी मैं आता हूँ उससे पहले लोग यहाँ से टुकड़ा बीच के चला गया हुआ रहता है, बहुत परेशानी है। और आम भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। हम लोग उम्मीद लगाए थे जो इस बार टुकड़ा बड़ा होगा, आम बड़ा होगा तो आम खूब खाएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं बुझाता है जो हम लोग इस बार जैसे आम खा पाएंगे। देख रहे हैं, इधर मकई लगा दिए हुए हैं ताकि इसका बाली भी खाने को मिल जाएगा, साथ ही घास के लिए, हरियाली के लिए जो है सो ये काम करेगा। दोस्तों, आज चुनाव का दिन है इसीलिए काम तो कोई है नहीं, इसलिए कि सब काम को आज पोस्टपोन किए हुए हैं, इसलिए सोचे हैं कि आज घर पर ही टाइम पास करें। तो घर पर भी टाइम पास करने के लिए मैं अपना मत गिरा के और आ गया हूँ आम के पेड़ के निकट, लेकिन आने से यहाँ कोई भी आम का टुकड़ा नहीं गिरा हुआ है, ताकि जिसको मैं अपने घर ले जाऊँ। तो यहाँ तो ऐसा है दोस्तों कि हर जगह खुला हुआ है और लोग जो है सो नहीं देखता है तो आ जाता है और आम का टुकड़ा जो है उठ के चल जाता है। बड़ी समस्या है दोस्तों, इतना जगह जाऊँ, घर का अकेला आदमी हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ बारी में फर का भी गास था जिसको लोग जो है तो चोरी करके घूम रहा है, तो उसको फर मिला या नहीं मिला, जो हम लोग रखते हैं कि आगे ये काम दे और इस फर को जो है तो हम लोग सब्जी बना के खाएं, लेकिन सब्जी क्या बनेंगे
जो है सो चोरी करके लोग खून के ही ले जाता है। यही सब तो दोस्तों गांव का कहानी है। यदि गांव में आपको सब्जी उगाने के लिए या पेड़ पौधा जहां लगाए हुए हैं यहां कोई सब्जी के रूप में लगा देते हैं तो वो भी आपको नसीब नहीं होता है, उसको भी लोग उखाड़ के ले जाते हैं। बहुत मजबूरी है, कितना जगह लोग किसको उगरेगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जो देखिए कि लोगों का जो पेड़ पौधा है जो सूखा हुआ है उसको भी लोग तोड़ के उजाड़ के काट के ले जाते हैं। हम लोग के यहाँ इतना लोग परेशान करता है, इतना परेशान करता है जो क्या बताऊँ, कह नहीं सकता हूँ। जो मैं आज सोचा था कि आज मैं फ्री हूँ दिन भर, तो आज यही काम करूँगा, जो अपना वोट गिराने के बाद मैं निश्चित रूप से आज आम को देखभाल करूँगा। लेकिन उसमें भी जब तक मैं आया हूँ तब तक जितने भी आम के टुकड़े थे उसको लोग लेकर चले गए हैं। रहे हैं और ये भी दिखाएंगे जो बाहर का है, जो इस साइड से दूसरे साइड में घेरा के दूसरे साइड में है, जो खुला जगह है उसके लिए तो कोई बातें नहीं है कि जो भी लोग आते हैं उसको बीच के चले जाते हैं। बहुत टेंशन है दोस्तों गांव में, चाहे आपके पास में बाग बगीचा है तो भी बहुत टेंशन है। आम छोटा छोटा है, अभी आम के पेड़ के निकट हर समय बैठेंगे ये भी संभव नहीं है, जिसका फ़ायदा लोगों को हो जाता है कि लोग आ जाते हैं और यहाँ से टुकड़ा बीच के चले जाते हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए दोस्त, ये नींबू का पेड़ है और नींबू में फल भी है, तो मैं दिखाता हूँ। देखते हैं नींबू सब में फल आ चुका है, लेकिन उस साइड ये तार के उस साइड भी है नींबू फरा हुआ, उधर जो है सो लोग भी तोड़ के ले जाते हैं। और ये देखे गहरा के उस साइड ये आम का जो है सो डाली नमरा हुआ है दूसरे खेत में, उसमें भी आम गिरता है तो वो हम लोग को हाथ नहीं आता है, उसको भी दूसरा आदमी ही तोड़ के ले माने बीच के ले जाता है। देखते हैं कितना हम लोग यहाँ माने एक अभी टुकड़ा के लिए कितना देर आम के पेड़ के निकट में बैठेंगे, ये तो बहुत मुश्किल की बात है। अब देख रहे हैं यहाँ फर का जो है सो लत्ती था, जिसको लोग थोड़ी से खून रहा है, खून लिया है, अब उसको मिला कि नहीं मिला ये तो भगवान जानेगा। लेकिन दोस्तों इसमें लाल फर लगा हुआ है, इसका सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसके चलते हम लोग और साइड में लगा देते हैं। और देखिए कि नहीं रहने के कारण लोग उसको कोड़ के ले जाते हैं चोरी से, अगर मांग के भी लेगा तो हम लोग भाई बोलेंगे कि सामने में हम लोग खड़े रहेंगे या बोलेंगे कि भाई इसको निकाल लो, लेकिन ऐसा लोग नहीं करता है, चोरी छिपे जो है सो आकर उसको निकाल के ले जाता है। कितना परेशानी है दोस्तों कि कह नहीं सकते हैं। नींबू या जो भी फल का पौधा है, अगर जब भी टुकड़ा का समय है तो डेली मैं आता हूँ, एक बार दो बार मैं डेली आता हूँ, फिर भी आने से पहले यहाँ का लोग टुकड़ा बीच के चल जाता है, कुछ रहने नहीं देता है, फर खोल लेता है। ये देखते हैं फर जो है सो लगभग कल माने खोदा है, कल हम आए थे तो ये ऐसा खुना हुआ नहीं था। हर समय इतना परेशानी करता है जो क्या बताऊँ, कहना मुश्किल है। तो अब मैं आप लोगों को इतना दिखाया, चुनाव लेके आज मैं घर पर था तो सोचा कि चलो भाई आम के पेड़ से हो आ दें, ताकि जो यहाँ कुछ हवा बहुत तेज है तो टुकड़ा गिरा होगा, उस टुकड़ा से अभी और तो कुछ नहीं होगा लेकिन कसौनी जो है तो बनेगा। कसौनी बनाने के लिए हम लोग टुकड़ा चुनने के लिए आए हुए थे, लेकिन टुकड़ा भी नहीं मिला। और यहाँ से जो भी देखते हैं मेरे हाथ में बस इस साइज का टुकड़ा हो चुका है, इसका कसौनी
अच्छा से बनता है। और कसौनी को जो है लोग करेला का भरुआ बनाते हैं, उसमें भी कसौनी काम करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे ही साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी ये समस्या आता होगा। समय ही ऐसा है जो आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है कि कितना देर हम लोग यहाँ, तो नहीं है कि घर बना के ही रहेंगे। है तो लोग कभी आता है जो अपना देखने के लिए, चुनने के लिए, लेकिन जब भी हम लोग आते हैं तो यहाँ से जो है सो पता चलता है कि आम का टुकड़ा जो है सो चुन के दूसरा आदमी लेके चला गया है। यहाँ कोई भी चीज़ जहाँ नहीं माने कम आता है लोग, वहाँ कोई चीज़ नहीं रहने देता है। आपको भी दिखाए हैं कि फर जो होता है उसको भी लोग उखाड़ के ले गया हुआ है। क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, मजबूरी है हम लोग के पास में। अकेला आदमी हूँ, हर समय तो यहाँ नहीं आ सकता हूँ। जो भी देखता है इधर उधर देखता है और आके जो है सो टुकड़ा बीच के चल जाता है। कितना समस्या है कहना मुश्किल है दोस्तों। दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजरी मधुबनी से हूँ और आज मैं चुनाव महापर्व का, मेरे यहाँ जो ईसा चंद का मतदान है उसके बारे में मैं आपको दिखाया हूँ, जानकारी भी दिया हूँ। साथ ही मैं अपने फुर्सत पाके आम के बगीचा में गया, वो भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपसे आग्रह है जो आपके यहाँ जिस दिन चुनाव महापर्व हो उस दिन अपना मतदान अवश्य जाके बूथ पर करें। साथ ही मेरा चैनल आपको पसंद आए इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस महापर्व में हम लोग के यहाँ तो बहुत असुविधा था बूथ पर, संजोग भगवान का दया कहिए जो कि आज धूप नहीं है, नहीं तो धूप रहता तो मतदान का परसेंट और कम होता। लेकिन अब देखिए शाम तक कितना परसेंट जाता है हम लोग के बूथ का। साथ ही अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।